दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि ब्लूबर्ड कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर है और ये एक डबल फेस से ऑपरेट होने वाला ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। जैसा कि आप इसके वोल्टमीटर में देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट तक का वोल्टमीटर है। आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। देखिए अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें देखिए एक ये सर्किट दे रखा है, ये रिले ऑपरेट करने के लिए सर्किट है और ये जो सर्किट दे रखा है ये हाई कट लो कट और टाइमर के लिए सर्किट दे रखा है। काफी बड़ा सर्किट है ये भी और काफी बड़ा सर्किट है ये भी। इसमें 4 ऑपरेटिंग रिले दे रखी है और एक टाइमर और हाई कट पर रिले दे रखी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसे रिपेयर करेंगे। काफी पुराने डिजाइन का सर्किट है, काफी फॉल्ट आते हैं इसमें भी और इसके टाइमर और हाई कट में भी। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन बताएंगे इसका कि आपको बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही आसानी से आप इस स्टेबलाइजर को रिपेयर कर पाएंगे। ऐसे ही क्या डबल फेस का कोई भी स्टेबलाइजर हो, आप उसे बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो फिर जुड़े ही हमारे साथ, हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम जितने भी वायर हैं सर्किट के सबको काट लेते हैं और ये हाई कट लो कट टाइमर के सर्किट के जितने वायर हैं उन्हें भी काट लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इन सारे वायर को काट देंगे। ये देखिए हमने सारे कनेक्शंस काट लिए हैं सर्किट के भी और ये हमारे दूसरे सर्किट के भी। तो इसमें देखिए कितने सारे ये वायर निकले हुए हैं, इतने ढेर सारे वायर इसमें दे रखे हैं। अभी हम इन सबको अच्छे से सेट कर देंगे, आप देखते रहिए पूरा वीडियो। अब देखिए हमने इसका सर्किट तो हटा दिया है, सर्किट आपको दिखा देते हैं कि हमने सर्किट में क्या हटाया है इसमें। ये देखिए ये इसका हाई कट लो कट का सर्किट है और टाइमर का सर्किट है, ये काफी बड़ा सर्किट है। और ये देखिए इसका ये कंट्रोलिंग वाला सर्किट है जिससे हमारी रिले ऑपरेट होती है, ये सर्किट इसके लिए दे रखा है। देखिए 4 ऑपरेटिंग रिले हैं इसमें और एक टाइमर रिले है, ठीक है। अब इसे हटाकर हम इस सर्किट को हम बिल्कुल हटा देंगे। इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, देखिए इसकी जगह हम लगा देंगे अपना ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट। बहुत अच्छा सर्किट है, इसमें 4 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले के लिए ऑप्शन दे रखा है। ये हमारा सिंगल फेस और डबल फेस दोनों में ही यूज हो जाएगा, तो लगाना बहुत ही आसान है। इसमें देखिए कनेक्शंस दे रखे हैं इसमें। ये देखिए इसमें एक ही इनपुट सप्लाई जाएगी जो कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर से आएगी, हमें किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है। जो हमने पुराने सर्किट इसमें से हटाया है इसमें ये देखिए ट्रांसफार्मर से 2-3 सप्लाई आई हुई है और देखिए इसमें कॉमन जो कि जितने रिले हैं सबका कॉमन पॉइंट, जितनी रिले की कॉइल होती है उनका कॉमन वायर आ जाएगा यहाँ पर। बाकी रिले 3, रिले 2, रिले 1 आउटपुट और कट ये सब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। और सेटिंग करने के लिए देखिए इसमें एक ही प्रीसेट है, इस एक प्रीसेट से सब कुछ सेट हो जाएगा, यहाँ तक कि इसका हाई कट भी इसी से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए इस सर्किट को इस स्टेबलाइजर में फिट करते हैं, फिर उसे चेक करके देखते हैं कि हमारा सर्किट कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों सर्किट के सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं जैसे कि आपको बताए थे, अब बारी है इसे चेक करने की। तो अब इसे चेक करते हैं, देखते हैं ये सर्किट हमारा कैसा काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये वोल्टमीटर हमने स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा रखा है, ये हमें स्टेबलाइजर की आउटपुट बताएगा। तो चलिए अब इसे ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए हमने इसे ऑन कर दिया, इसने देखिए इनपुट बताना शुरू कर दिया है बट आउटपुट वोल्टेज अभी नहीं बता रहा है क्योंकि ये देखिए इसका टाइमर भी वर्क कर रहा है। तो हम इसे देखिए टाइमर ऑन करने की, देखिए इसका ये ऑन हो गया। वैसे इसमें रिसेट स्विच के लिए ये एक जैक दे रखा है, ये देखिए SW लिखा हुआ है, इसे हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा टाइमर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारी। ये देखिए अभी वोल्टेज थोड़ा कम बता रहा है, ये 220 और 180 के बीच में काम कर रहा है। अब हम प्रीसेट को थोड़ा सा घुमाएंगे, सेटिंग करेंगे। देखिए प्रीसेट इसमें एक ही सेटिंग करने के लिए इसे थोड़ा हम घुमाएंगे, अब हम 250 वोल्ट पर ले जाकर इसे कट इसका सेट कर देंगे। ये देखिए हमने एक ही बार सेट किया इसका, अब ये सारे स्टेप्स हमारे बहुत अच्छे से आ रहे हैं। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं स्टेबलाइजर हमारा कितना अच्छे से काम कर रहा है। और पहले इसमें आपने देखा था काफी बड़े बड़े सर्किट लगे हुए थे इसमें और इन दोनों सर्किट का काम ये हमारा एक अकेला माइक्रो कंट्रोल सर्किट बहुत अच्छे से कर रहा है। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, सर्किट पसंद आया होगा।
वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।